अफ्रीका एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इतिहासकारों के अनुसार मनुष्य का सबसे पहले विकास अफ्रीका में ही हुआ था और यहीं से जाकर वे दूसरे महाद्वीपों में बसे। दुनिया के प्राचीनतम धर्म हिंदू धर्म के अनुयायी अफ्रीका के हर देश में मिल जाएंगे। यहां हम अफ्रीका महाद्वीप के 5 ऐसे देशों की जानकारी प्राप्त करेंगे जहां हिंदू धर्म का प्रसार सबसे तेजी से हुआ है। नंबर 5 पर है घाना। घाना में हिंदू आबादी तेजी से बढ़ी है। खास बात यह है कि यहां के अन्य धर्मों के लोग हिंदू धर्म में धर्मांतरित हो रहे हैं। घाना दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां के मूल निवासियों ने सबसे ज्यादा हिंदू धर्म अपनाया है। घाना में वर्ष 2009 में हिंदू लोगों की संख्या लगभग 12,500 थी, जो आज बढ़कर लगभग 35,000 हो चुकी है। हिंदू धर्म घाना में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन चुका है। नंबर 4 पर है युगांडा। अफ्रीकी देश युगांडा में हिंदू लोगों को सन 1980 के दशक में भयानक अत्याचार का सामना करना पड़ा था। मुस्लिम शासक ईदी अमीन के समय लगभग 60,000 हिंदुओं को देश से निकाल दिया गया था। फिर भी यहां आज लगभग 4,00,000 हिंदू लोग रहते हैं। वह तमाम संघर्षों के बावजूद हिंदू धर्म को वहां फैला रहे हैं। नंबर 3 पर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार वहां लगभग 6,000 साल पहले से ही हिंदू धर्म के अनुयायी रहते आए हैं। आज दक्षिण अफ्रीका में लगभग 5,60,000 हिंदू लोग रहते हैं। यह आबादी अफ्रीका में मॉरिशस के बाद सबसे ज्यादा है। यहां स्वामीनारायण तथा इस्कॉन जैसे संगठन हिंदू धर्म का तेजी से प्रसार कर रहे हैं। नंबर 2 पर है सेशेल्स। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों का द्वीप समूह देश है। सेशेल्स बहुत सुंदर देश है। यहां हिंदू धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। यहां की आबादी में हिंदू लोगों का प्रतिशत 2.5% है। सेशेल्स के वर्तमान राष्ट्रपति बेवेल रामकलावन है, जो बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी हैं। नंबर 1 पर है मॉरिशस। भारत और नेपाल के बाद जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से मॉरिशस संसार में तीसरा सबसे ज्यादा हिंदू लोगों का देश है। यहाँ की 49% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वालों की है। लगभग 6,40,000 हिंदू यहाँ निवास करते हैं। मॉरिशस अफ्रीका का सबसे ज्यादा हिंदुवादी वाला देश भी है।